हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, जी हाँ, उनकी वर्तमान भावनाएं। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको ये गाइस एक कार्ड निकला है, देखेंगे आज उनका मैसेज क्या है आपके लिए। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी और साथ में मिलेगी एक प्यारी सी एडवाइस जो है आपके लिए बेहद ही जरूरी। गाइस, आज का जो कार्ड ये निकला है, चाहे गलती से आया है, आपके पर्सन बोल रहे हैं यू रिस्पेक्ट मी एज ए पर्सन। समझ गए आप? तो देखिए क्या कह रहे हैं वो। आपने दिल में कोई मैल मत रखिए। फर्स्ट कार्ड कौन सा है? सन का कार्ड है ये। कार्ड की फ्लैश पड़ रही है नाइट की। सेकंड कार्ड है हाई प्रिस्टिस। थर्ड कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड्स का। एस ऑफ कप्स का। फोर ऑफ सोर्ड्स के बाद है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल्स। द मैजिशियन बहुत पावरफुल कार्ड है। पेज ऑफ सोर्ड्स। बॉटम क्या है गाइस? बॉटम है एट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, काफी दिनों से रीडिंग नहीं डली, मैसेज आ रहे थे आपके, मैडम क्या बात है, आप ठीक तो हो? आई एम ओके, फाइन, मैं ठीक हूँ, नो टेंशन, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आपका हमारा रिश्ता भले ही ऑनलाइन साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन हम दोनों, आप लोग और मैं, दिल से कनेक्ट है। जो दर्द आप किसी से नहीं बांट सकते, वो इस चैनल में आप मेरे साथ बांटते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, अगर यहाँ एलिमेंट की बात करें तो गाइस, यहाँ अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है। कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है आपके रिश्ते में ये काफी इम्पोर्टेंट हो। नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, 11 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है और नंबर 19 इम्पोर्टेंट है। अगर रिपीटेड की बात की जाए तो यहाँ पे नंबर जो 1 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 3 बार रिपीट हुआ है। इस हिसाब से आपका 2 के साथ 3 भी इम्पोर्टेंट गिना जाएगा। हो सकता है ये डेट आपके लिए काफ़ी मायने रखती हो। आपके पर्सन कहीं आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए हो, या आपने दोनों ने कभी एक साथ बैठ के सपने सजाए हो, और ये भी हो सकता है कि आप लोगों का बर्थडे हो। ये डेट आपके लिए काफ़ी मायने हो। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ, जिसका टॉपिक है
आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। तो गाइस, आपके पर्सन की अगर वर्तमान भावनाएं को देखूं मैं, तो ये पर्सन का सबसे पहले मैं नेचर लेके बताती हूँ। ये पर्सन आपको प्यार तो करते हैं गाइस, ये नहीं कि प्यार नहीं करते, लेकिन साथ में आपके साथ रिश्ते में वैसे वाला प्यार नहीं है कि जो मर मिटने वाला लैला मजनू श्री फरियाद वाला हो। ये ऐसा प्यार है कि ये साथ में आपके साथ सपने सजाते हैं प्यार के, शादी के, तो साथ में प्रैक्टिकल भी हैं, यानी कि प्यार, शादी, मैरिज, फैमिली के सपने सजाते हैं, सो साथ में प्रैक्टिकल भी हैं। ये सोचते हैं फाइनेंस को लेके भी थोड़ा सा, ये हर चीज़ को सोचते हैं। हो सकता है आप किसी जॉब में हो या आपकी अच्छा खासा कोई बिजनेस हो, तो जब ये सोचते हैं इन सब जो चीज़ों के, शादी के बाद वाली प्रॉब्लम्स या कैसी भी चीज़ें हैं जो हर फैमिली को फेस करनी पड़ती हैं, उनको रखते हुए आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन ये प्यार एस ओ कप्स का कार्ड है, दिल में इनके इमोशनल है, लेकिन दोनों चीज़ें सोच के आगे बढ़ते हैं। और ये जानते हैं कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन आपको स्पिरिचुअल और चुस्त, चलाक, स्पिरिचुअल जैसी उनको पार्टनर पसंद है, उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, वैसे ही आप रात को जब अकेले होते हैं ये आपको बहुत मिस करते हैं और प्रे करते हैं आने वाले टाइम, यानी कि इन फ्यूचर में इनको अपने ही, अपने और आपके प्यार में कोई दिक्कतें ना आए। ये पर्सन थोड़े टेंशन है, टेंशन में इसलिए है कि ये फैमिली के बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं जा तो इनकी फैमिली ने आपके रिश्ते में ऑब्जेक्शन उठाया हुआ है, जहाँ इस पर्सन को लगता है कि ये मेरी फैमिली जो बीच में इंटरफेयर करके चीज़ें खराब कर सकती है। अदरवाइज़ ये अपने और आपकी लाइफ में रोशनी भरना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं, आगे फैमिली तक जाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि एक चमकदार, एक हस्ती खेलती हुई आपका और इनका रिश्ता बने। और ईश्वर भी यही चाहता है कि अगर ये रिश्ता बनता है तो डिवाइन का कहना है कि ये लॉन्ग समय तक चलेगा, और ये पर्सन भी यही चाहते हैं। लेकिन जहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो मैं आपको दोबारा से फिर कहूँगी कि ये पर्सन आपके साथ प्यार करते हैं, लेकिन ये काफ़ी कुछ देख के आपके साथ बढ़ना चाहते हैं आगे। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन से आप प्यार करते हैं, अगर किसी वजह से, फाइनेंस की वजह से या किसी वजह से हो सकता है, थोड़े से अंदर से ये बात नहीं अपनी फीलिंग बताते, तो आपको भी थोड़ी सी अपने, सिर्फ इनको ना रखते हुए अपने कैरियर में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि मैरिज, शादी, बच्चे, प्यार के साथ साथ सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये जो पर्सन है देखने में काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी पर्सनैलिटी वाला भी हो सकता है, और ऑलराउंडर है। जहाँ मैंने आपको बोला है कि ये पर्सन फाइनेंस को लेके भी सब कुछ सोचते हैं, तो ये मैं आपको ये भी बता दूँ, ये डिवाइन के साथ भी कनेक्ट है, लेकिन ये ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बल्कि आपके लिए तो फिर भी ये इमोशनल है। वैसे इनकी लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल होना ज़्यादा अहमियत समझते हैं। ये डिवाइन के साथ कनेक्ट है, स्मार्ट है, सुंदर है, आपको ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप इनकी मुस्कुराहट, आपको अपनी खुशी से ज़्यादा इनकी मुस्कुराहट ऐसी है कि बहुत अच्छी लगती है। और ये पर्सन पास्ट में अगर आपके साथ किसी तरह से नाराज़ है, या अपनी फैमिली की वजह से थोड़े दिनों के लिए कहीं दूर हुए हैं, तो ये पीछे मुड़ के आपको बहुत मिस करते हैं, यानी कि आपकी चीज़ें इनको बहुत याद आती हैं, जो वक्त आप लोगों ने एक साथ बिताया। और मैं ये भी बता दूं कि आप में से मैक्सिमम लोग के ऐसे पार्टनर हैं जो ज़्यादा गुस्से वाले स्वभाव से हैं, और आपको कई बार लगता है कि गुस्से से ये हमेशा चीज़ें ख़राब कर लेते हैं। तो गाइज, ये पर्सन
इतने चालाक नहीं है जैसे लोग कोई हेरा फेरी जानता है, चीटिंग जानता है, ये इनके मन में नहीं आता। अगर ये करते हैं तो इनकी सब साफ के सामने दिख जाती हैं। ये करेंगे जब भी तो रिश्ते को लेके, जब रिश्ते में इनका प्रेशर बनेगा। अदरवाइज ये ऐसे हैं कि सबके साथ चलने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं और डिसीज़न मेकिंग पावर इनकी थोड़ी सी कमज़ोर है। अकेले डिसीज़न लेना इनके बस की नहीं, इस चीज़ को ये जानते हैं। लेकिन इनके दिल में जो भावना है आपके साथ, मैरिज, फैमिली, बच्चे, और अंदर से और जा इस टाइम इनमें ये भी है कि कुछ भी हो ये रिश्ते में आखिर जो तक एफर्ट लगाएंगे और किस तरह का भी बैरियर होगा उससे उसको पार करेंगे, चाहे कैसे भी करें। देखिए गाइस, बॉटम में आया एट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये रिश्ते की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कोई बैरियर है तो उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं अपने रिश्तों पर, अपने और आपके रिश्तों पर, ताकि चीज़ें जो है सही से वर्क कर सके। तो चलिए देखते हैं, ये तो आपके पर्सन का हो गया, आपकी रीडिंग का हो गया बॉटम। अब मैं देखती हूँ कि ये पर्सन जो है आपके साथ सपने तो बहुत सजाते हैं, प्रैक्टिकल भी, प्यार भी, मोहब्बत भी, थोड़ा थोड़ा इनमें सब कुछ है, डिवाइन के साथ भी कनेक्ट है। अगर मैं कहूँ इनकी जो फीलिंग है तो आपके लिए अच्छी है, क्योंकि ये एक इंसान ऐसा है सब चीज़ें सोच के चलने वाला है। लेकिन डिसीजन पावर इसकी कमज़ोर है, या ये कहो कि फैमिली इनकी ऐसी है। ये एक्शन लेंगे तो गाइस, ये पर्सन एक्शन तो लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी जो फैमिली है कहीं अड़चन डाल सकती है। चलिए देखते हैं, क्योंकि प्रॉपर एक्शन का कार्ड नहीं आया। ये चाहते हैं पार्टियां आपके साथ अटेंड करना, अपना मैरिज तक चीज़ें ले जाना। अब देखते हैं कितना टाइम लेगा ये पर्सन। गाइस, सिक्स मंथ वन ईयर के बीच में ये चीज़ें आपके, ये पर्सन आपके पास अच्छे तरह से, हो सकता है कि वन मंथ में भी आपके पास थोड़े साइन आने शुरू हो जाए, लेकिन इस ईयर में ये पर्सन आपके साथ पूरी तरह आपको क्लैरिटी देते हुए आगे जाने हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, ये बताता है कि काफ़ी लोगों का जब ये आपकी तरफ आएंगे, इनकी फैमिली का काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा इस रिश्ते के लिए। लेकिन ये पर्सन वक्त का वेट करते करते अपना जो पड़ाव है पार करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरे एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि ये आपसे बहुत, आपको बहुत एक क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग जैसा पार्टनर चाहिए समझते हैं और काफ़ी आपको मिस करते हैं। तो ये कैरियर को, फाइनेंस को, रिश्तों को, सब चीज़ को समझ के आगे चलने वालों में से है। थोड़ी सी इनकी डिसीज़न पावर कमज़ोर है, सबको साथ लेके चलने वालों में से है। अभी की जानते हैं कि इनके रिश्ते में काफ़ी लोग बीच में नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन ये एफर्ट लगाने को तैयार है। सबसे अच्छी बात इनकी ये है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। आपका कार्ड निकल के आया है द फूल। गाइस, द फूल का कार्ड आपके लिए निकल के आया है कि आप पॉजिटिव बने रहिए, हर फिक्र को धुएं में उड़ाते रहिए, सिर्फ पॉजिटिव बनना है, कोई टेंशन नहीं करनी, कोई फिक्र नहीं करना। अगर हो सके, अगर कहीं आपको लगता है कि आपके रिश्ते में आने वाले टाइम पे बैरियर ज़्यादा भी पड़ सकते हैं, तो सूर्य को जल दीजिए, और सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव बने रहिए, नेगेटिव बनने के कोई चांस नहीं है। जितने खुश रहोगे,
जितनी अच्छी चीज़ें आप प्रैक्टिकल सोचोगे, मन में अच्छे अच्छे ख्वाब सजाओगे, आपके उतने ही जल्दी पूरे होंगे। और वफादारी, जो आपका शुभ चिंतक है, अगर किसी चीज़ के लिए आपको इस रिश्ते के लिए एडवाइस देता है और आपको लगता है कि ये मेरा शुभ चिंतक है, मुझे गलत एडवाइस नहीं देगा, तो आपको उनकी जो है एडवाइस फॉलो करनी होगी। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग, यानी कि वर्तमान भावनाएं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, खुश रहो हमेशा, ऐसे चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लेके घुमा करो ताकि आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ आए। जय माता दी।